हेलो, इप्सा के एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ग्रुप डिस्कशन करने जा रही हूँ। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है बच्चों की बुरी आदतों को कैसे छुड़ाई जाए। सबसे पहले मैं ये बताने जा रही हूँ कि आदतें क्या होती हैं। आदतें बच्चों द्वारा सीखा गया कार्य है या अर्जित व्यवहार है जो बच्चे अपने आसपास से सीखते हैं। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। आदतों का शिक्षा में बहुत महत्व है। आदतें शिक्षा प्रदान करती हैं। आदतें बच्चों की मानसिक शक्तियों को क्षमता प्रदान करती हैं। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। आदतों का निर्माण करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। जिस पर हम कार्य करने का संकल्प करते हैं उसे कार्य रूप भी परिणित करते हैं। मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। हम जिस कार्य को करने की आदत डालना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं को चाहिए कि बच्चों में अच्छी आदत के निर्माण के लिए एक अच्छे उदाहरण का प्रस्तुत करना चाहिए। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। अच्छी आदतों को बालकों में संतुलित मानसिक एवं सामात्मक सहयोग देती है और सीखने की आदतों का बहुत अधिक भूमिका होती है। बालकों की बुरी आदतों को तोड़ने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को बालकों को आत्म सुझाव द्वारा तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उनको बात समझानी चाहिए। जैसे बालक खुद अपने आप को किसी की दूसरी चीजें लाने की घर में कोशिश ना करे, वो खुद कहे मम्मा ये या पापा ये गलत है लाना या ले जाना। बालकों में बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उसके स्थान पर उसे अच्छी आदतों को सिखाना चाहिए। जैसे अगर बच्चों में नाखून चबाने की आदत हो तो उसके हाथ में कुछ खाने की सामग्री दे देनी चाहिए जिससे, और उसके नाखून को काट देना चाहिए जिससे बच्चों में बीमारियों का ये इंट्रेंस ना हो, वो बच्चा बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहे। बच्चों में बुरी आदतें तो बहुत जल्दी आ जाती है, पर उनकी बुरी आदतें धीरे धीरे छुड़वाने के लिए हमें उन्हें कोशिश करना चाहिए कि अगर जैसे उनको चाय पीने की जिद करने की आदत है तो उन्हें चाय की जगह हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा या बूस्ट ये सब देकर उन्हें चाय की आदत, जिद करने की आदत को छुड़वानी चाहिए। बुरी आदत को तोड़ने के लिए बच्चों को ठीक अभ्यास कराना चाहिए। जैसे कोई बच्चा गलत बोलता है तो उसे सही शब्द का अभ्यास कराना चाहिए। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। जब तक बालक अपनी पुरानी आदतों को बिल्कुल नहीं तोड़ दें, मैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि फिर से वो बुरी संगत में न पड़ जाए। मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। बच्चों की संगति में परिवर्तन करके बुरी आदतों को तोड़वाना चाहिए। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। जैसे विद्यालय के अच्छे विद्यार्थियों के बारे में बताना चाहिए तथा उनके क्रियाकलापों के बारे में उन्हें परिचित कराना चाहिए। बालकों की बुरी आदतों को तोड़वाने के लिए उन्हें पुरस्कार का उपयोग करना चाहिए। जैसे उन्हें प्रलोभन देना चाहिए, यदि कक्षा में तुम बात नहीं करोगे, शोरगुल नहीं मचाओगे, मैं तुम्हें खेलने के पीरियड ज्यादा दूंगी या तुम्हें मैं टूर पे ले जाऊंगी या उन्हें मतलब भ्रमण पे तुम्हें ले जाऊंगी। बच्चों में बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को झूठ बोलने की आदत हो तो उसे भेड़िया वाली स्टोरी सुनाकर, कहानी सुनाकर उसे यह बताना चाहिए कि झूठ बोलना कितनी गंदी बात है। मैं इन सबों से की बातों से सहमत हूँ कि बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए पुरस्कार देना चाहिए, ये करना चाहिए, बट कभी कभी उन्हें दंड भी देना चाहिए। परंतु दंड जो है बच्चों को इतना नहीं देना चाहिए जिससे उनको काफी कष्ट हो। आदत तो हो ही जाती है, परंतु उनको छुड़वाने के लिए प्यार से भी छुड़वाना चाहिए। अगर प्यार से नहीं छुड़े तो उन्हें थोड़ा सा दंड देकर उन्हें संभालना चाहिए। अंत में मैं इन डिस्कशन को समाप्त करने जा रही हूँ।